Good morning, everyone. Good morning, my dear lovely students. चलिए, very good. So sorry कि कल class नहीं हो पाई, I wasn't feeling well. But today we are back with plant growth and development. So today we'll be finishing this particular chapter. Now on an average, you all know कि from this particular chapter you can expect on an average 2 questions, right everyone? 2 questions on an average from this particular chapter. Now whenever we talk about growth as such or overall development of a human being, let's say, so we always mention chemical coordination and integration, right? The hormones that are associated, correct? So in this case, well, plants do also have their hormones, because of which their fruit development, their seed development, leaf development, and everything associated with the development as such, right, is going to be there. So just a minute. Yes, so we are going to start with plant growth and development and the hormones associated with it. So you all know hormones of plant, there are total 5. Right, sabse pehla aata hai auxin, then gibberellin, then a cytokinin, uske baad इथिलीन एंड द लास्ट वन ये विजिबल है सबको राइट ये 5 हॉर्मोन्स आर एसोसिएटेड विद द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स करेक्ट ये विजिबल है यस चलिए सो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑल ऑफ देम वन बाय वन वी विल स्टार्ट ऑफ विद द ऑक्सिन लिखते जाओगे मेंशन करोगे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस चलिए सबसे पहले ऑक्सिन प्लीज टेक अ नोट इसको सबसे पहले आइसोलेट किसने किया था उनके बारे में लिखोगे फर्स्ट आइसोलेटेड बाय गुड मॉर्निंग अनन्या फर्स्ट आइसोलेटेड बाय F.W. वेंट आइसोलेट कहां से किया था फ्रॉम द यूरिन मेंशन करोगे यहां पे ह्यूमन यूरिन फर्स्ट आइसोलेटेड नाउ यू शुड नो वन थिंग अबाउट प्लांट फिजियोलॉजी एज सच कि ज्यादातर आप देखोगे कि डिस्कवरीज के ऊपर बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं है ना कि किसने पहली बार आइसोलेट किया था कहां से किया था सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन फ्रॉम द प्लांट फिजियोलॉजी सो प्लीज पे एक्स्ट्रा अटेंशन टू दीज पॉइंट्स ओके चलिए फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन From human urine. यहां पर मेंशन कर लो बस ठीक है इतना आगे मेंशन करोगे कि this hormone is associated with the femininity of the plant, right? Female characteristics को ज्यादा प्रमोट करता है femininity of the plant, associated with the femininity of the plant. आगे मेंशन करोगे tryptophan. ट्रिप्टोफैन के अंदर क्या है इसके बायोसिंथेसिस में हेल्प करेगा एंड ZN का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है विद इट राइट अब ये जो चैप्टर है प्लस द मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर यू कैन एक्सपेक्ट ऑफ कोर्स क्वेश्चंस लाइक दिस राइट कि कौन सा वाला स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट है जो हेल्प कर रहा है इन दिस प्रोसेस ओके तो आपको ये आयंस याद होने चाहिए आगे मेंशन करोगे सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ मेंशन करोगे 2,4-D देन 2,4-5-T है ना डी को मेंशन कर लोगे डी क्या है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड देन यहां पे मेंशन करोगे ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड सेम ठीक है इसके अलावा IPA एंड NAA ये दो चीज और मेंशन कर लो ठीक है ये जो दो चीजें हैं ये विजिबल है सबको करेक्ट तो ये जो दो चीजें हैं इनको वीडी साइड की तरह यूज किया जाता है फॉर द डाइकॉट प्लांट्स लिख लो वीडी साइड मतलब कि वीड्स को किल करेगा राइट वीडी साइड गुड मॉर्निंग मीमांशा वीडी साइड ओनली फॉर डाइकॉट्स
ये जो 24D है इसको एजेंट ऑरेंज भी कहा जाता है, प्लीज मेंशन, ऑल्सो नोन एज एजेंट ऑरेंज. किया मेंशन यहां तक? किया, चलो आगे आ जाते हैं. ये क्या काम कर रहा है लिखोगे, क्रिएट्स अपाइकल डॉर्मेंसी, वही पीछे वाला कंटिन्यू कर रही हूं, वहां स्पेस नहीं था, यहां पे मेंशन करोगे दैट इट क्रिएट्स अपाइकल डॉर्मेंसी, क्रिएट्स अपाइकल डॉर्मेंसी. बहुत ही स्पेसिफिक और काफी इजी क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, राइट? तो इन चैप्टर्स में मार्क्स गवाना इज नॉट वर्थ इट, ट्रस्ट मी, राइट? थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर सकते हो तो ये पूरा तुम्हारे चैप्टर्स फिनिश हो जाएंगे. द प्रॉब्लम जो मैंने देखा इतने सालों में कि ये जो कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे मिनरल न्यूट्रिशन हो गया, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ, देन बायो मॉलिक्यूल्स हुए, इजंट इट, ये काफी इजी स्कोरिंग चैप्टर्स हैं. और हम क्या सोचते हैं कि हम बड़े बड़े चैप्टर्स के पीछे भागे, जैसे जेनेटिक्स हुआ, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, इवन इन प्लांट फिजियोलॉजी, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, इजंट इट? तो उस वजह से हम क्या करते हैं, इन चैप्टर्स को अवॉइड करते हैं, विच इज द बिगेस्ट मिस्टेक एनीवन कैन डू. ओके, क्योंकि इसमें स्कोर करना बहुत ईजी है, इसमें स्कोर करना बहुत ज्यादा इजी है, बिकॉज द चैप्टर्स यू आर टॉकिंग अबाउट, लेट्स से फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट एंड द रेस्पिरेशन, देयर इज अ स्लाइट चांस दैट वहां पे आप कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दोगे, क्योंकि वहां पे यूजुअली बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं, है ना? तो देयर आर चांसेस कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ एक सिली मिस्टेक आपने कर दी, है ना? लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि आप थोड़े से भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे तो आपका आपको यहां से कोई भी आपके मार्क्स कट नहीं कर सकता, करेक्ट? चलो आगे आ जाते हैं. यहाँ पे आगे मेंशन करोगे दैट पोटैटो डोरमेंसी, पोटैटो डॉर्मेंसी को इंड्यूस करेगा, यहां पे इंड्यूस कर दो, इंड्यूस, राइट? ऑल्सो इट इंड्यूसेस पार्थिनोकार्पी, इंड्यूसेस पार्थिनोकार्पी. हर एक लाइन के ऊपर से एज इट इज क्वेश्चन आए हुए हैं और बहुत इजी, ट्रस्ट मी, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है? पार्थिनोकार्पी. नेक्स्ट मेंशन करोगे, यहां पे लिखोगे एब्सिशन, यंग में इंड्यूस करेगा, यंग के अंदर इंक्रीज करेगा और ओल्ड में रिड्यूस कर देगा, करेक्ट? यहां तक सब लोगों ने लिख लिया, इतना मेंशन कर लो, इट्स मोर देन इनफ. ऑल्सो एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पर मेंशन कर लो, एवीना कल्चर, कर्वेचर फॉर बायो एसे. यहां पे बायो एसे पे से हर एक हार्मोन के क्वेश्चन आया हुआ है ना? बायो एसे, इसको अच्छे से मेंशन कर लेते हैं, बायो एसे, करेक्ट? यहां तक मेंशन किया. एक और चीज मेंशन कर लो कि ये जो इनका ये जो बायो एसे है, इसको फर्स्ट टाइम किसने बताया था? सन एंड डैड डार्विन, ऐसे मेंशन कर लो, है ना? डैड एंड सन, सन एंड डैड, जो भी तुम्हें लिखना हो, ठीक है? इसमें लिखोगे कैनरी ग्रास, कैनरी ग्रास, राइट? चलो आगे आ जाते. नेक्स्ट मेंशन करोगे जिबरलिन, गिबरलिन तुम्हें जैसे याद रहता है, गिबरलिन में मेंशन करोगे. अभी हमने ऑक्सिन में देखा कि फीमेलनेस ऑफ प्लांट को इंड्यूस करता है, एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट गिबरलिन में होगा, है ना? ऐसे याद कर लो, जी फॉर गाय, ठीक है? ऐसे यहां पर ए से मेंशन कर लो, ए से तुम्हारी इच्छा, तुमको ऐसे याद करना हो तो ए से आंटी, ऐसे ही बस याद करने के हिसाब से, ठीक है? अगर भूलते हो तो बार बार कंफ्यूजन, बार बार कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो ही इसको मेंशन करोगे, अदरवाइज नो नीड. चलो आगे आगे आ जाओ. यंग में एब्सिजन को, अनन्य यंग में एब्सिजन को इंड्यूस करेगा और ओल्ड में रिड्यूस करेगा, ठीक है? ठीक है, यहां तक मेंशन कर लिया. हाँ, आगे आ जाओ. नेक्स्ट मेंशन करोगे, नेक्स्ट मेंशन किया ये, है ना? जी फॉर गाइज, ऐसे याद कर लो, ठीक है? मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को ज्यादा प्रमोट करता है. यहां पे लिखोगे सबसे पहले फूलिश सीडलिंग, फूलिश सीडलिंग लिखते जा रहे हो ना, दिख रहा है ये क्लियर?
है ना? हाँ ठीक है. फूलिश सीडलिंग मेंशन करोगे, उसके बाद मेंशन करोगे जिब्रेला फ्यूजी कोर. दिस इज अ स्पेशल फंगस जहां से इसको पहली बार देखा गया था, मेंशन किया. आगे मेंशन करोगे बोल्टिंग, कहां करवाएगा बोल्टिंग? इंटरनोड्स में, इंटरनोड्स. आगे मेंशन करोगे अर्ली सीड्स, अर्ली सीड फॉर्मेशन, अर्ली सीड मैच्युरेशन. इसको बोलते हैं हैसेंस मैच्योरिटी, हैसेंस मैच्योरिटी. ठीक है, आगे मेंशन करोगे कि इसका जो फॉर्म है दैट इज GA3. यहां मेंशन किया दिस इज फर्स्ट आइडेंटिफाइड, फर्स्ट आइडेंटिफाइड. ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट टाइम पे किसने क्या उसको डिस्कवर किया, फर्स्ट टाइम किस चीज का रिकॉग्निशन मिला, है ना? ये सारी चीजें तो अपने आप ही बहुत इंपॉर्टेंट हो गई. ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिफाइड, फर्स्ट आइडेंटिफाइड, करेक्ट. आगे मेंशन करोगे जेनेटिक ड्वार्फिज्म का ट्रीटमेंट है. यहाँ पे मेंशन करोगे ट्रीट्स जेनेटिक ड्वार्फिज्म, जेनेटिक ड्वार्फिज्म. एंड यू शुड नो कि काफी लिमिटेड ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिनको ट्रीट किया जा सकता है प्रॉपरली, करेक्ट. यहां पर मेंशन करोगे जेनेटिक डिसऑर्डर, वेरी गुड. चलो जेनेटिक ड्वार्फिज्म, करेक्ट. ड्वार्फिज्म को क्या करेगा, उसको ट्रीट करेगा. ठीक है, इलोंगेशन, ऑफकोर्स जेनेटिक ड्वार्फिज्म को ट्रीट कर रहा है, दैट मीन्स इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट एवरीवन? यहां पर मेंशन कर लो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर इलोंगेशन. ठीक है, यहां मेंशन कर लिया. अब आगे लिखोगे, आगे लिखोगे अल्फा अमाइलेज, अल्फा अमाइलेज एक्टिविटी. उसके बाद आगे लिखोगे ड्वार्फ पी एंड मेज, ड्वार्फ पी एंड मेज. ये क्या है इसका? बायोअसे. ये मेंशन करते जाओ, बायोअसे वाला इटसेल्फ काफी इंपॉर्टेंट है फॉर ईच एंड एवरी हार्मोन, राइट. यहां पे लिखोगे, यहां पे ही मैं आगे मेंशन कर रही हूं कि एसिटाइल कोएंजाइम इसका प्रिकर्सर है, एसिटाइल को ए इज अ प्रिकर्सर, करेक्ट. आगे मेंशन करोगे, नेक्स्ट करोगे ग्रेप बंच. ग्रेप का जहां भी क्वेश्चन आए, ग्रेप के ऊपर हम लोग 2020 में देख लिया, 2019 में देख लिया, जहां पे भी दूसरी जगह पे भी हमने सॉल्व किए क्वेश्चन, ग्रेप के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, राइट. तो याद रख लेना, ठीक है, गिबरलिन ही हमेशा उसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट मेंशन करोगे एप्पल में फ्रूट शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन एप्पल्स इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट शेप, फ्रूट शेप. ठीक है, उसके बाद लिखोगे मेल्टिंग एंड ब्रूइंग. मेल्टिंग और ब्रूइंग क्या होता है? स्ट्रेटजीज फॉर द एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन में पढ़ चुके हो, है ना, मेल्टिंग एंड ब्रूइंग, करेक्ट. नेक्स्ट लास्ट मेंशन कर लोगे दैट इट डिलेज सेनेसेंस. ठीक है, यहां पे मेंशन कर लिया, इतना इतना मेंशन कर लिया. नेक्स्ट आ जाओ फटाफट से साइटोकाइनिन पे. साइटोकाइनिन कहां पे प्रेजेंट होता है? साइटोकाइनिन मेजरली रूट टिप के ऊपर पाया जाएगा, रूट टिप. ये मेंशन किया, आगे लिखोगे एक्रोपेटल ऑर्डर में पाया जाएगा. एक्रोपेटल कैसा होता है कि जैसे ये एक रूट है तो एक्रोपेटल अरेंजमेंट कैसा होगा? सारे साइड में, इजंट इट? यहां पर मेंशन करोगे एक्रोपेटल अरेंजमेंट, एक्रोपेटल अरेंजमेंट, या ऑर्डर लिख लो, ऑर्डर, एक्रोपेटल ऑर्डर, एक्रोपेटल ऑर्डर. यहां तक मेंशन किया, यहां तक मेंशन किया. अब यहां पर मेंशन कर लो कि इट इज एडेनिन बेस्ड, एडेनिन बेस्ड. जैसे कि याद करो हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी में जब केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ा था तो हमने सब जगह मेंशन किया था कि ये पेप्टाइड हार्मोन है, ये स्टेरॉइड हार्मोन है, इजंट इट? ऐसे ही यहां पे मेंशन करोगे एडेनिन बेस्ड या डिराइव्ड फ्रॉम एडेनिन. ठीक है, ये कर लिया मेंशन, ये भी एक प्रिकर्सर है. यहां पे मेंशन करोगे डिस्कवरी किसने की थी, डिस्कवरी के आगे मेंशन करोगे कुक एंड मिलर, ये मेंशन किया. आगे लिखोगे कहां से डिस्कवर किया, किस चीज में से डिस्कवर किया. सबसे पहले मेंशन करोगे टोबैको प्लांट, टोबैको के पिथ से, राइट, टोबैको पिथ. और नीचे लिखोगे यहां से मिला इनको काइनेटिन. और नेक्स्ट मेंशन करोगे इमेच्योर कॉर्न ग्रेन से, कॉर्न ग्रेन से, इमेच्योर कॉर्न ग्रेन से जियाटिन. मेंशन किया ये, है ना? मैं वर्ड्स लिख रही हूँ, तुम सेंटेंस बना बना के भी लिख सकते हो, राइट. चलो आगे आ जाओ, साइटोकाइनिन यहां तक लिख लिया सब लोगों ने. आगे लिखोगे
दिस ऑल्सो डिलेज सेनेसेंस, यहां पे लिखोगे दिस ऑल्सो डिलेज सेनेसेंस. आगे मेंशन करोगे रिचमंड लॉन्ग, यहां पे लिखोगे रिचमंड लॉन्ग, एक मिनट, रिचमंड लैंग, दिस ऑल्सो डिलेइंग सेनेसेंस. मेंशन किया, मेंशन किया, आगे लिखोगे अगर ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन का रेशो ज्यादा है तो रूट डिफरेंसिएशन होगा, तो रूट डिफरेंसिएशन होगा, और अगर साइटोकाइनिन टू ऑक्सिन का रेशो ज्यादा है तो शूट डिफरेंसिएशन होगा, तो शूट डिफरेंसिएशन होगा, राइट. गुड मॉर्निंग प्रवीण, ठीक है, यहां लिख लिया. अब ये ही इसका बायो ऐसे भी है, यहां पर मेंशन कर लो टोबैको पिथ वाला, यहीं पे बायो ऐसे मेंशन कर लो. किया, इतना लिख लिया. सेल डिवीजन सेल एलोंगेशन में हेल्प करेगा और ये भी फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रमोट करेगा. लिख लो फेमिनिज्म इन प्लांट, फेमिनिन कैरेक्टर्स इन प्लांट, ये मेंशन किया, है ना. चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट हार्मोन. नेक्स्ट हार्मोन में फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है, लिखोगे इसका फॉर्मूला मेंशन करोगे जल्दी जल्दी, C15H20O4, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इसका फॉर्मूला, ठीक है. आगे लिखोगे कि ये वाला हार्मोन कब रिलीज होता है, ये हार्मोन रिलीज कब होता है एग्जैक्टली, स्ट्रेस कंडीशन में. अब एक प्लांट की लाइफ में किस बात का स्ट्रेस, कोई इसका आंसर दे सकता है? When we are talking about plants, what kind of stress we are talking about? उनको तो नौकरी पे नहीं जाना सुबह उठ के, उनको स्कूल नहीं जाना, उनको एग्जाम नहीं देना, तो what kind of stress we are dealing with in this case? बताओ, anyone? What kind of stress we are talking about? बताओ जल्दी. Plants को किस बात का stress है? Climatic condition, very good. और अब क्लाइमेटिक कंडीशन एक बहुत जनरलाइज आंसर हो गया. क्लाइमेटिक कंडीशन में भी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो स्केर्सिटी ऑफ वाटर हो गया, या फिर मान लो कि अब इनको स्टोमेटा को क्लोज करना है, ट्रांसपिरेशन रोकनी है, सो दिस क्रिएट सर्टन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इन साइड ऑफ द प्लांट, और इस केस में ये हॉर्मोन रिलीज होगा, है ना. इसको लिख लो, दिस इज अ स्ट्रेस हॉर्मोन इन प्लांट्स, ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखोगे यहां पर इनहिबिटर बी, इनहिबिटर B from dormant potato tuber, dormant potato tuber, potato tuber, है ना. हर एक scarcity of, हाँ ये हो गया. और अच्छा ये वापस से सेम कमेंट आ रहा है, हाँ ठीक है. चलो आगे मेंशन करोगे एंटी जिबरलिक बोलते हैं इसको, एंटी जिबरलिन एसिड, मतलब कि अब बताओ कि जिबरलिन करवा क्या रहा था एग्जैक्टली, कौन बताएगा, अभी जस्ट पढ़ा, उसका काम क्या था, उसका काम क्या था बताओ, अर्ली मेच्योरिटी करवाना, और ये क्या कर रहा है, डॉर्मेंसी क्रिएट करवा रहा है, ठीक है. वो क्या करवा रहा था, अर्ली मेच्योरिटी में हेल्प कर रहा था, और ये वाला क्या कर रहा है, डॉर्मेंसी करवा रहा है, ठीक है. लिख लो यहां पे, यहां पे मेंशन करना है, कर लो तुम्हारे हिसाब से. और वो क्या कर रहा था, इलोंगेशन करवा रहा था, ये क्या करेगा, हाइट को रोकेगा, ठीक है. अब ये जो ऑपोजिट एक दूसरे के काम करेंगे उससे ओवरऑल ग्रोथ डिटरमाइन होगी, क्योंकि हर प्लांट तो बहुत लंबा नहीं हो सकता, इजंट इट, हर प्लांट बहुत ज्यादा लंबा तो होगा नहीं, तो जो स्टॉप करने का काम है, लेट्स से दैट इज अ स्विच ऑन मैकेनिज्म एंड दिस इज अ स्विच ऑफ मैकेनिज्म, राइट एवरीवन. चलो आगे लिखने जाओ, क्लार्क और क्लेफर्ड ने सबसे पहले इसको मेंशन किया था, क्लार्क एंड क्लेफर्ड, यहां पर मेंशन करोगे, नेक्स्ट चीज मेंशन करोगे दैट इट इज अ प्रिकर्सर of oxidation in carotenes. Oxidation, now this is very very important point, oxidation of carotene, correct. Likhoge bio assay mention karoge, cotton explant. Ab kaun batayega explant kahan pada tha, what exactly is explant, kya hota hai explant, anyone quickly batate jao, what do we understand by explant, what exactly is this explant, anyone. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्ट्रैटेजीज वाला चैप्टर ऑलरेडी फिनिश हो चुका है.
बताइए क्विकली. जल्दी जल्दी बताओ एक्स प्लांट क्या होता है एग्जैक्टली. सब लोग मैं वेट कर रही हूं, जल्दी जल्दी लिखो. यहां पे आगे लिखोगे क्लोज स्टोमेटा. एक्स प्लांट वो पार्ट होता है प्लांट का जिसको हम लेके कल्चर करते हैं, है ना. सिंपल, एक्स प्लांट वही पार्ट तो हुआ, इजंट इट. चलो, जिसके पास सारे के सारे, कहने का मतलब सबसे ज्यादा डेवलपमेंट के, ग्रोथ के चांसेस होंगे. ठीक है, चलो. टू ट्रांसफर लिविंग सेल, वेयर वी आर ट्रांसफरिंग दीज लिविंग सेल्स. बताओ कहां ट्रांसफर करना है सेल्स को. ये एक्स प्लांट वो पार्ट होता है जिसमें सबसे ज्यादा जर्मिनेटिंग सेल्स होंगे, और ये जो एक्स प्लांट होता है, यस, इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम, इसको हम क्या करते हैं, इसको कल्चर करते हैं, राइट. चलो आगे बढ़ जाओ. इंड्यूस डॉर्मेंसी, क्या बताया था मैंने अभी, एंटी जिबरलिन है, वो क्या कर रहा है, डॉर्मेंसी को रिड्यूस कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, इंड्यूस करेगा डॉर्मेंसी को, इंड्यूस डॉर्मेंसी. अब मुझे एक बात बताओ कि डॉर्मेंसी अच्छी चीज है या बुरी है, बताइए. डॉर्मेंसी की अगर मैं बात करूं तो डॉर्मेंसी अच्छी चीज है कि बुरी चीज है, बताओ. यहां पे अगर ये डॉर्मेंसी को इंड्यूस कर रहा है तो ये क्या फायदे की बात है या नुकसान की बात है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में. इट्स गुड, राइट. लेकिन अगेन सेम चीज, डॉर्मेंसी कब चाहिए, व्हेन द एनवायरमेंटल कंडीशंस आर नॉट गुड, राइट. सिर्फ उतने टाइम के लिए डॉर्मेंसी चाहिए, एंड देन वी हैव टू गेट बैक टू द नॉर्मल ग्रोथ, इजंट इट. तो अगर ये एक्सेस में रिलीज होगा तो क्या होगा, डॉर्मेंसी बनी रहेगी, और इस डॉर्मेंसी को काटने के लिए हमें क्या चाहिए रहेगा, जिबरलिन, राइट, जो डॉर्मेंसी को खत्म करने की कोशिश करेगा. ठीक है, आगे मेंशन कर लोगे ये क्या करेगा, डॉर्मेंसी को इंड्यूस करेगा. आगे लिख लो, सेल डिविजन इनहिबिटर है, सेल डिविजन को इनहिबिट करेगा. और अगर सिंपल सी बात है, अगर ये सेल डिविजन को इनहिबिट कर रहा है, दैट मीन्स सेनेसेंस की, मतलब कि एजिंग जो है वो जल्दी आ जाएगी, करेक्ट एवरीवन, एजिंग जल्दी हो जाएगी, राइट. लिख लिया यहां तक मेंशन कर लिया सब लोगों ने. अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट लिखेंगे इथिलीन का फॉर्मूला C2H4. चलो इथिलीन के आगे मेंशन करोगे, यहां पे लिखोगे गैशियस पीजीआर. आगे लिखोगे इसके पास होता है ट्रिपल रिस्पॉन्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रिपल रिस्पॉन्स इन व्हाट सेंस एग्जैक्टली, मेंशन करोगे. ट्रिपल रिस्पॉन्स में एक होता है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, नेक्स्ट होता है रेडियल स्वेलिंग, और यहां लिखोगे अपाइकल हुक. के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, अपाइकल हुक मेंशन करोगे. ये कहां होगा, इन डाइकॉट सीडलिंग्स, प्लीज टेक अ नोट, डाइकॉट सीडलिंग्स किया मेंशन, यहां तक मेंशन किया सब लोगों ने, डाइकॉट सीडलिंग्स, करेक्ट. यहां पे लिखोगे स्वेलिंग कहां हो रही है, स्टेम में, और ये भी स्टेम में हो रही है ना, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ स्टेम, करेक्ट. चलो यहां तक मेंशन कर लिया. बायोसिंथेसिस कैसे होता है इसका, यहां पर पहले तो स्टार मार्क कर लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपाइकल हुक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब नेक्स्ट चीज मेंशन करोगे यहां पे, बायोसिंथेसिस मेथियोनिन से होता है, अमीनो एसिड, यहां तक मेंशन किया. आगे मेंशन करोगे पोस्ट हार्वेस्टिंग राइपनिंग में हेल्प करता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोस्ट हार्वेस्टिंग या पोस्ट हार्वेस्ट राइपनिंग में हेल्प करेगा. यहां पे लिखोगे CEPA और एथेफोन. सेपा का फुल फॉर्म लिखना है, बताओ इसका फुल फॉर्म कौन बताएगा, व्हाट इज सेपा, CEPA, जल्दी जल्दी
इसका फुल फॉर्म बताओ जरा। बोलो जल्दी, चलो मेंशन कर लो फिर जल्दी यहाँ पे। नहीं पता क्या? नहीं पता तो कोई बात नहीं, लिख लो, कोई बात नहीं, यहाँ पे मेंशन कर लो क्लोर इथैनिक फॉस्फोरिक एसिड, क्लोर क्लोरो इथैनिक फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड किया मेंशन। अब यहाँ पे स्टार मार्क करके ये और पॉइंट्स लिखोगे, यहां पे मेंशन करोगे कि सबसे पहले तो रैपिड इंटरनोड ग्रोथ। अब इंटरनोड में से क्या निकलेंगे? पेटियोल्स निकलेंगे, है ना? लीफ इलोंगेशन होगा कि नहीं होगा बताओ? पेटियोल इलोंगेशन, पेटियोल किसका पार्ट है? लीफ का ही है ना, इन डीप वाटर, डीप वाटर राइस सीडलिंग्स। पिक एज इन, मैं नहीं दिख रही हूं क्या? मैं क्लियरली नहीं दिख रही हूं भारत? बताइए, चलो आगे मेंशन कर लोगे। आगे मेंशन करोगे थिनिंग ऑफ कॉटन, ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। थिनिंग ऑफ कॉटन, थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट, चेरी एंड वॉलनट। ये वैसा सा क्वेश्चन है, ये वैसा क्वेश्चन है जहां पे वो आपको ये तीनों दे देंगे ऑप्शन में और नीचे लिखा रहेगा ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज तो ऑफकोर्स आंसर नहीं होगा, है ना? कॉटन, चेरी, वॉलनट, राइट? चलो लिख लिया ये। एक और स्टार मार्कर के पॉइंट लिखोगे, सिंक्रोनाइजिंग, सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट, फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल, फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल, ऑल्सो फ्लावरिंग ऑफ मैंगो, फ्लावरिंग इन मैंगो। यहां तक मेंशन कर लिया, यहां तक मेंशन कर लिया, ये आपके मेजर पॉइंट्स हो गए फ्रॉम ऑल दी हॉर्मोन्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोटो पीरियडिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सिर्फ इतना मेंशन कर लोगे फोटो पीरियडिज्म में, फोटो पीरियडिज्म इसमें बना लो, चार्ट बना लो, यहां पे मेंशन करोगे डे न्यूट्रल प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, फिर मेंशन करोगे शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, और आगे मेंशन, इसके बाद क्या मेंशन करोगे? इसके बाद क्या मेंशन करोगे? लॉन्ग डे प्लांट। ठीक है, ये तीन वो बना लो सेक्शंस, लॉन्ग डे प्लांट। ये दिख रहा है यहां पे सबको? लॉन्ग डे प्लांट दिख रहा है सबको? बताओ, है ना? ठीक है, चलो लॉन्ग डे प्लांट दिख रहा है। ठीक है, अब यहां पे मेंशन करते जाओगे कि डे न्यूट्रल प्लांट्स कैसे, यहां पे मेंशन करोगे एग्जांपल्स, मेज, कॉटन, लाइन से लिखते जाओ, मेज, कॉटन, आगे मेंशन करोगे टोमेटो, एंड एज आई ऑलवेज से एग्जांपल तो इंपॉर्टेंट है ही, राइट एवरीवन? चलो सनफ्लावर, सनफ्लावर, क्यूकम्बर, मेंशन करते जाओ लाइन से, देन लिखोगे लाइकोपेरिसम, पर्सियम। यहां पे मेंशन करोगे इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, डार्क पीरियड क्रिटिकल है इनके लिए। यहां पे मेंशन करोगे अनइंटरप्टेड डे लाइट आना चाहिए, ठीक है, अनइंटरप्टेड लाइट आना चाहिए, क्योंकि ये दिन के टाइम में थोड़े टाइम के लिए एक्टिव रहेंगे, सिंपल सी बात है। यहां पर लिखोगे डार्क पीरियड क्रिटिकल, डार्क पीरियड क्रिटिकल, है ना?
तो यहां पे क्या होना चाहिए, अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड डीपी इज रिक्वायर्ड किया मेंशन। यहां पे आगे लिखोगे ये कौन कौन से प्लांट शो करेंगे, टोबैको, डालिया, शुगर केन, जैंथियम, शुगर केन, जैंथियम एंड राइस। ठीक है, लॉन्ग डे के बारे में मेंशन करोगे, लाइट पीरियड, लाइट पीरियड इज क्रिटिकल, लाइट पीरियड इज क्रिटिकल। इनको क्या चाहिए, ये किस किस प्लांट्स में देखने को मिलेंगे क्विकली मेंशन करोगे, रेडिश, बार्ली, वीट एंड स्पिनच, बार्ली, वीट एंड स्पिनच, ये सब मेंशन कर लिया, ये सब मेंशन कर लिया। यहां पे एक और चीज मेंशन करोगे, फ्लोरिजन, ठीक है, कहां मिलेगा, लीव्स में, विच इज साइट ऑफ परसेप्शन, साइट ऑफ परसेप्शन लिख लिया, हाइपोथेटिकल हार्मोन बोलते हैं इसको, सब लोगों ने मेंशन कर लिया। ये नीचे एक छोटा सा मेंशन करोगे, यहां पे मेंशन करोगे फाइटोक्रोम रेड एंड फाइटोक्रोम फार रेड। अगर यहां पे सब कुछ नॉर्मल है तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू पीआर, फार रेड विल कन्वर्ट इनटू पीआर इन डार्कनेस। आगे मेंशन करोगे अगर मुझे इसको कन्वर्ट करवाना है इनटू दिस, मुझे कितना चाहिए, 6660 नैनो, एक मिनट, यहां पे लिखोगे, ये क्लियर दिख रहा है ना, 660 nm रेड। और यहां पे इस नीचे मेंशन करोगे अगर पीएफआर से कन्वर्ट करना है पीआर में तो मुझे चाहिए 730 nm फार रेड। ये मेंशन कर लिया, बस इतना काफी है। यहां पे लिखोगे पीआर शो करते हैं एसडीपी प्लांट्स और ये शो करते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स, करेक्ट। चलो आगे लिखोगे वर्नलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल यहां से क्वेश्चन आता है वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन में मेंशन करोगे 1 to 10 degrees Celsius, 1 to 10 degrees Celsius। आगे लिखोगे वर्नालम, कहां पे मिलेगा, मेरिस्टेम में, साइट ऑफ परसेप्शन है ना, मेरिस्टेम, साइट ऑफ परसेप्शन, साइट ऑफ परसेप्शन। आगे लिखोगे कैरेट में पाया जाता है, कैरेट में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली तुम्हें देखने को मिल जाएगा। और लिखोगे डीवर्नलाइजेशन कैसे करते हैं, हीट में रख के, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इंड्यूस कब हो रहा है, वेरी लो टेम्परेचर, सो इसको अंडू करने का क्या तरीका हो गया, हीट प्रोवाइड करवा दो, राइट एवरीवन। ये लिखोगे डीवर्नलाइजेशन, डीवर्नलाइजेशन कहां पे, कहां पे एग्जैक्टली, हीट, हीट के थ्रू। ये लिख लिया, ये मेंशन किया, ठीक है। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख लोगे, एक्स्ट्रा पॉइंट्स मेंशन करते जाओ, मैं यहां पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स करके नोट डाल रही हूं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स, एक्स्ट्रा पॉइंट्स मेंशन करते जाओ। सबसे पहले लिखोगे ऑक्सैनोमीटर, ऑक्सैनोमीटर में मेंशन करोगे दैट ग्रोथ, इससे हम लोग ग्रोथ को कैलकुलेट करेंगे, ग्रोथ को, एक मिनट, ग्रोथ मेजर करेंगे, ठीक है। आगे मेंशन करते जाओगे कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट, कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट, यहां पे मेंशन करोगे टू कंपेयर ट्रांसपिरेशन, टू कंपेयर ट्रांसपिरेशन। आगे मेंशन करोगे, आगे मेंशन करोगे पोरोमीटर, पोरोमीटर इज यूज्ड फॉर एरिया ऑफ स्टोमेटा ऑन द लीफ, एरिया ऑफ स्टोमेटास ऑन लीफ। आगे मेंशन करोगे नंबर फोर्थ पे फोटोमीटर, फोटोमीटर मेंशन किया टू मेजर ट्रांसपिरेशन, राइट एवरीवन, टू मेजर ट्रांसपिरेशन, टू मेजर ट्रांसपिरेशन, राइट एवरीवन, सब लोगों ने लिख लिया है ना। एक लिख लोगे मैनोमीटर, ये क्या करेगा, रूट प्रेशर को मेजर करने का काम करेगा। एक और चीज यहाँ पे बॉक्स बना के लिख लो, ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में भी वी ऑलरेडी डन दिस, बट प्लीज टेक अ नोट, यहाँ पे भी लिखोगे साई डब्ल्यू इक्वल्स टू साई एस प्लस साई पी,
और यहाँ पे लिखोगे माइनस डीपीडी इक्वल्स टू माइनस ओपी प्लस टीपी. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर यू. मेंशन किया ये सब, ये सब मेंशन कर लिया, राइट एवरीवन? चलो अब मुझे एक बात बताओ कि ये तुम्हारा हो गया प्लांट डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. इसके क्वेश्चंस लगाएं क्विकली, इसके क्वेश्चंस लगाएं, या अगर चाहते हो तो मिनरल न्यूट्रिशन का भी थोड़ा सा बता देती हूँ. क्या बोलते हो, बताओ? क्वेश्चंस पहले लगाएं, मिनरल न्यूट्रिशन का थोड़ा सा करें डिस्कस. तुम क्या 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 सोचना है तुम्हारा, बताओ. क्योंकि मिनरल न्यूट्रिशन में बहुत ही लिमिटेड पॉइंट्स है, मतलब हार्डली 10-15 पॉइंट्स है. कि कल ही करें उसको सेपरेटली, उसमें क्वेश्चंस ज्यादा करेंगे. ठीक है, चलो क्वेश्चंस लगाते हैं. सब लोग रेडी? सारे लोगों का ध्यान स्क्रीन के ऊपर. सब लोग रेडी? प्रवीण, अनन्या, मीमांशा, भारत, सब लोग रेडी? चलो क्वेश्चंस लगाते हैं फटाफट. अच्छा, संडे को प्लांट फिजियो के टॉप 100 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. ठीक है, जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाएं, है ना, उतने करते हैं. लास्ट सेक्शन में हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट नहीं कर पाए थे, बट डोंट वरी, उसके बाद प्लांट फिजियो करने के बाद ही हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, उसकी टेंशन मत लो. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस लगाना. चलो क्वेश्चन नंबर 1, कॉजेटिव एजेंट ऑफ फूलिश सीडलिंग ऑफ पैडी और बेकैन वॉज, बताओ. इजी क्वेश्चन. फूलिश सीडलिंग, सबसे बड़ा हिंट दे दिया उन्होंने, सबसे बड़ा हिंट दे दिया. फूलिश सीडलिंग कहां पे होगा बताओ, किस चीज से एसोसिएटेड लग रहा है ये? सारे लोग वेरी गुड. अनन्या ने सबसे स्पीड में आंसर दिया. यस, ये क्या था? ये एक टाइप का फंगस था, राइट एवरीवन? चलो सब लोग स्पीड में आंसर देते जाओ, सारे लोग आंसर देंगे. भरत आंसर दो, मीमांशा स्पीड स्पीड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड ऑफ ऑक्सिन, नॉट एन इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सिन. अपाइकल डोमिनेंस, पार्थिनोकार्पिट, ट्रॉपिकल मूवमेंट, बोल्टिंग, बताओ. कहां पे पढ़ा था ये? बोल्टिंग कहां पे पढ़ा था पहले तो ये बताओ. नोट्स साथ में लेके बैठा करो, नोट्स साथ में ही लेके बैठा करो. बोल्टिंग कहां पढ़ा था बताओ. बोल्टिंग कहां पे पढ़ा था? राइट, बोल्टिंग जिबरलिन के पार्ट में हमने पढ़ा था. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग ऑब्जर्व्ड बोल्टिंग इन द प्लांट्स बाय एप्लीकेशन ऑफ जिबरलिन, बताओ. जिबरलिन से कौन से साइंटिस्ट एसोसिएटेड है बताइए. वेरी गुड अनन्या, चलो बताओ. ये मेंशन भी कर लेना, इसमें हमने ये चीज लिखी नहीं है, चलो इसको मेंशन कर लो. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे मेंशन कर लो पीछे नोट्स में, बोल्टिंग के आगे लिखा नहीं हम लोगों ने. चलो यहाँ पे अभी के अभी मेंशन कर लो. यस, बोल्टिंग कहाँ लिखा था? ये रहा, यहाँ पे मेंशन कर लो. दिख रहा है ये? ठीक है, चलो. आगे मेंशन कर, नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रू सेल डिवीजन फैक्टर इन प्लांट इज साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, एबीए, इथिलीन. सेल डिवीजन कहां पे देखने को मिल रहा है, कौन सा वाला जो हार्मोन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन एंड एलॉन्गेशन? एवरीवन क्विकली, सबसे इजी क्वेश्चन पूछा है उन्होंने. देखो कितने डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे, कितने डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे फ्रॉम दिस चैप्टर, इजंट इट? यस मीमांशा, वेरी गुड. साइटोकाइनिन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स पोस्टपोन सेनेसेंस, पोस्टपोन करवाना है हमें सेनेसेंस. कौन करवा रहा है? साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, एबीए, नन ऑफ दीज. अब देखो पोस्टपोन कौन करवा रहा है. अभी हमने पीछे बात की कि अगर सेल डिविजन और सेल डिफ्रेंसिएशन है ना, कोई स्पेसिफिक हार्मोन अगर करवा रहा है, ऑफ कोर्स वो सेनेसेंस को, एडल्टिंग को रिड्यूस करेगा, करेक्ट? सो यहाँ पे भी आंसर ऑप्शन नंबर ए. नाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैशियस प्लांट ग्रोथ हार्मोन, बताइए. गैशियस प्लांट ग्रोथ हार्मोन, एवरीवन.
फिर से इजी क्वेश्चन, बिल्कुल सिंगल लाइन है ना, एक लाइन का क्वेश्चन पूछा हुआ है, वन लाइनर, नॉट इवन एन एमसीक्यू, आई वुड से नॉट इवन एन एमसीक्यू, इट्स अ वन लाइनर क्वेश्चन, राइट? वेरी गुड. इथिलीन इज द गैसियस टाइप ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन. नेक्स्ट हार्मोन विच रिड्यूसेस ट्रांसपिरेशन, रिड्यूसेस ट्रांसपिरेशन रेट बाय इंड्यूसिंग स्टोमैटल क्लोजर. ये स्टोमैटो क्लोजर क्या है बताओ, स्ट्रेस नहीं क्रिएट करेगा क्या, स्ट्रेस से रिलेटेड है क्या क्लोजिंग ऑफ स्टोमैटा, बताओ. क्लोजिंग ऑफ स्टोमैटा इज एसोसिएटेड विद द स्ट्रेस, और स्ट्रेस में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, सारे लोग ऑन द स्क्रीन बताओ, ऑन द चैट बॉक्स जल्दी जल्दी आंसर दो. स्ट्रेस में, वेरी गुड, ए बी ए करेक्ट. ये देखो यहीं से तुम्हें सारे आंसर मिल जाएंगे, स्टोमैटिक क्लोजर है ना, स्ट्रेस जनरेट करेगा, स्ट्रेस में कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, सी. चल नेक्स्ट, ए बी ए. व्हाट इज प्रेजेंट इन द कोकोनट मिल्क फॉर दैट रीजन इन इट, इट इज वाइडली यूज इन द टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर के लिए बार बार कोकोनट के मिल्क को क्यों यूज किया जाता है, क्या इसमें खास बात है. क्वेश्चन नंबर 8, एवरीवन, सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी चीज को टिश्यू कल्चर के लिए यूज कर रही हूं, इट मस्ट हैव अ वेरी गुड कैपेसिटी, गुड कैपेसिटी फॉर सेल्यूलर डिविजन, राइट एवरीवन? तो साइटोकाइनिन, कितना इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट एवरीवन? इसी टाइप के क्वेश्चन देखो कितना इजी, उन्होंने सिर्फ टिश्यू कल्चर पूछा, टिश्यू कल्चर के लिए मुझे क्या चाहिए, रैपिड डिविजन, और वो कौन प्रोवाइड करवा रहा है, साइटोकाइनिन, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, एडेनिन डेरिवेटिव, काइनेटिन, कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव, एबीए, टेरपिनस, आईएए, इंडोल कंपाउंड, आईबीए, बताओ. क्वेश्चन नंबर 9, एवरीवन, जल्दी जल्दी बताओ, डी. क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नहीं, 9 पे है, 9, क्वेश्चन नंबर 9, एवरीवन, नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंक्रीज शुगर प्रोडक्शन इन शुगर केन दे आर स्प्रेड विथ, शुगर प्रोडक्शन बढ़ाना है इन द शुगर केन, क्या करेंगे, IA, साइटोकाइनिन, जिबरलिन, इथिलीन, सारे लोग बताओ. शुगर प्रोडक्शन इन शुगर केन, एवरीवन, सारे लोग चैट बॉक्स में आंसर देंगे. वेरी गुड, जिबरलिन, मीमांशा, बिल्कुल सही आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइनएप्पल कैन बी मेड टू फ्लावर इन ऑफ सीजन बाय एप्लीकेशन ऑफ जियाटिन, लो टेम्परेचर, शॉर्ट डे, इथिलीन, बताओ, जल्दी जल्दी आंसर करोगे. एक ही जगह पे मेंशन किया था है ना, फ्रूट सेट एंड फ्लावरिंग, एक ही जगह मेंशन किया था, राइट, इथिलीन, वेरी गुड मीमांशा. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिमुलेशन ऑफ इंटरनोड ग्रोथ जस्ट बिफोर फ्लावरिंग इज कॉल्ड, इंटरनोड ग्रोथ जस्ट बिफोर फ्लावरिंग, इंटरनोड कहां पे मेंशन किया था, स्टिमुलेशन ऑफ इंटर ग्रोथ, वेरी गुड अनन्या. क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ आप जल्दी से, स्टिमुलेशन ऑफ इंटरनोड ग्रोथ जस्ट बिफोर फ्लावरिंग इज कॉल्ड रोजेटिंग, बोल्टिंग, वर्नलाइजेशन, फोटोपीरियडिज्म. अब देखो ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते, बोल्टिंग से इसका सॉरी इंटरनोड से एसोसिएशन नहीं है, राइट. वर्नलाइजेशन क्या है बताओ, तो बचा क्या, रोजेटिंग करेंगे क्या यहाँ पे, इंटरनोड से कोई एसोसिएशन, यहाँ पर हमको लीफ के बारे में सोचना है ना, रोजेटिंग विल बी पेटल, पेटल से एसोसिएटेड, ऐसे समझ लो, ठीक है. तो बचा क्या, बोल्टिंग, करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड अनन्या, मीमांशा, दोनों ने सही आंसर दिया. विच अमंग द फॉलोइंग आर ग्रोथ प्रमोटर्स इन प्लांट्स, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइन, एबिसिस, बताओ. ऑक्सिन ग्रोथ करवा रहा है क्या, ऑक्सिन डोरमेंसी को इंड्यूस करता है, गिबरलिन ग्रोथ करवा रहा है क्या, बताओ. गिबरलिन ट्रीटमेंट ऑफ डॉर्फिज्म कर रहा है ना, तो टू तो है ही. उसके बाद साइटोकाइनिन सेलुलर डिवीजन करवा रहा है, तो ये भी ग्रोथ प्रमोटर हो गया. अब ये क्या हुआ बताओ, लास्ट ये बचा है. अब देख लो टू और थ्री कहाँ कहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये दो ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, टू मिल रहा है यहाँ पे, तो ये तो गलत ही हो गया ना सीधे.
ये तो गलत ही हो गया क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है, तो बचा क्या हमारे पास ऑप्शन नंबर टी. सी दिस इज हाउ यू सॉल्व द एमसीक्यूज, एलिमिनेट करो ऑप्शंस, ठीक है जल्दी जल्दी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग बाय लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट इज कॉल्ड, वेरी गुड यस, ग्रोथ इनहिबिटर है भी ये. इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग बाय लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट इज कॉल्ड क्रायोस्कोपी, क्रायोस्टैट, वर्नलाइजेशन, फोटोपीरियोडिज्म, बताओ. 14th का आंसर, लो टेम्परेचर मेंशन किया है बड़े अच्छे से, लो टेम्परेचर करेक्ट, वेरी गुड मीमांशा, वर्नलाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, लीफ फॉल अकर्स इन अ ट्री व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ, लीफ फॉल कौन करवा रहा है बताओ, लीफ फॉल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बताइए, लीफ फॉल के लिए कौन एसोसिएटेड है, कौन करवा रहा है ये काम, बताओ. यस, ए बी ए इज गोइंग टू हेल्प इन, हेल्प नहीं बोलेंगे कि लीफ को फॉल करवाने का काम करवा रहा है ये, ठीक है चलो. नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स प्रिवेंट प्री मेच्योर फ्रूट फॉल, प्री मेच्योर फ्रूट फॉल, अब ए बी ए तो हो नहीं सकता एसोसिएटेड, बताओ अभी पीछे ही किया है ना, क्या कर रहा है लीफ के फॉल होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अब क्या बचा यहाँ पे बताओ. फॉलोइंग हॉर्मोन प्रिवेंट्स प्री मेच्योर फ्रूट फॉल, इथिलीन, ए बी ए, साइटोकाइन, ऑक्सिन, बताओ. जस्ट अभी हमने अभी तो डिस्कस किया इस बारे में, बताओ. डी ऑक्सिन, नहीं और सोचो, ऑक्सिन तो डॉर्मेंसी इंड्यूस कर रहा है ना, ऑक्सिन तो डॉर्मेंसी इंड्यूस कर रहा है, डॉर्मेंसी के टाइम पे फ्रूट फॉल प्रीमेच्योर कैसे हो सकता है, उस टाइम तो और बल्कि बचेगा फ्रूट बचने से, गिरने से और बचेगा राइट. चलो बताओ, नहीं इट इज, इथिलीन इज एसोसिएटेड विथ पोस्ट हार्वेस्ट राइपनिंग, इट इज एसोसिएटेड विथ पोस्ट हार्वेस्ट राइपनिंग, हार्वेस्ट राइपनिंग है ना, ये डिफरेंट है, ये बाद में करेगा, गिरने के बाद उसको अगर हमें मेच्योर करवाना है, राइपन करवाना है तो हम इथिलीन का यूज करेंगे, तो ये तो ऑप्शन में ही नहीं है ठीक है. साइटोकाइनिन क्या कर रहा है, साइटोकाइनिन तो ग्रोथ प्रमोट कर रहा है राइट, साइटोकाइनिन तो ग्रोथ प्रमोट कर रहा है, बताओ. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अभी जस्ट मैंने हिंट भी दिया, क्वेश्चन स्टार्ट होते ही हिंट दिया ठीक है, ए बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी एक्ट्स एज एंटागोनिस्टिक टू इथिलीन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, आईएए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया, एंटागोनिस्ट मतलब कि इसके ऑपोजिट काम करने वाला, ऑपोजिट, जहां ए बी ए का काम है इंड्यूस करना डॉर्मेंसी, सेनेसेंस को इंक्रीज करना, वहीं पे साइटोकाइनिन का काम है क्या करवाना, ग्रोथ को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना, सेल्युलर डिवीजन प्रमोट करना, सेल डिवीजन प्रमोट करना. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स डज नॉट नेचुरली अकर इन प्लांट, बताइए. आगे बढ़ते जाओ क्वेश्चन में, पीछे रह गए क्या, यस 17th का बी आंसर, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन डज नॉट नेचुरली अकर इन प्लांट, सिंथेटिक कौन सा है इनमें से बताइए, सिंथेटिक कौन सा है, हमने ऑक्सिन में लिखा था कि ऑक्सिन इज हेल्पफुल इन सिंथेसिस ऑफ 2,4-D एंड 2,4,5-T, याद आ रहा है, डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो है ना, ये क्या है, वेरी गुड, वेरी गुड अनन्या, ये है क्या, वीडी साइड है फॉर डाइकॉट्स, हम किससे सिंथेसाइज कर रहे हैं इसको, ऑक्सिन से सिंथेसाइज करवा रहे हैं राइट एवरीवन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डे न्यूट्रल प्लांट रिलेट्स टू लॉस ऑफ एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम, ओवर एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम, फ्लावरिंग इन ऑल पॉसिबल फोटोपीरियडिज्म, नो फ्लावरिंग इन एनी फोटोपीरियड, बताइए. डे न्यूट्रल प्लांट्स, डी एन पी,
बताओ। डे न्यूट्रल प्लांट्स बताओ। यहाँ पे ये ए बी एक्स्ट्रा हो गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, फोकस करो, हमारा जो फोकस है वो जहां होना चाहिए वहीं होना चाहिए बस, ठीक है। चलो वेरी गुड अनन्या मीमांसा, दोनों ने बिल्कुल बेहतरीन सही आंसर दिया, ऑप्शन नंबर सी, फ्लावरिंग इन ऑल पॉसिबल फोटो पीरियड। लास्ट क्वेश्चन, द रोजेट हैबिट ऑफ कैबेज कैन बी चेंज्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ आई ए ए जी ए ए बी ए इथेफॉन बताइए। मुझे क्या करवाना है, ग्रोथ को थोड़ा सा रिड्यूस करवाना है, हाँ या ना, ग्रोथ को थोड़ा सा रिड्यूस करवाना है क्या बताओ, सेनेसेंस डिले करना है। वेरी गुड मीमांशा, अमेजिंग अमेजिंग, जी ए गिबरलिक एसिड, वेरी गुड, बहुत ही शानदार काम आज तो, मतलब मजा आ गया है ना, सब लोगों ने जल्दी जल्दी आंसर दिया, ऐसे ही ना स्पीड में आंसर दोगे तो हम एक सवा घंटे में 100 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, है ना। बस मेरे को क्योंकि क्या होता है, मुझे वेट करना पड़ता है आप लोगों के आंसर्स के लिए, राइट। तो हम कोशिश करते हैं कि इस संडे हम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लें फ्रॉम प्लांट फिजियोलॉजी, एंड आई कैन गारंटी यू आफ्टर सॉल्विंग दिस प्लस जो हम डेली क्लासेस में क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद आपको एडिशनली कोई ज्यादा कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, राइट। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेक्शन गाइज। अब दो अगेन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, सबसे पहला स्कॉलरशिप, अनन्या डिड यू गेट रिप्लाई बैक, बताओ बताइए, आप ही पूछ रहे थे ना कल अबाउट द स्कॉलरशिप प्रोग्राम अनन्या, नहीं किसने पूछा था मुझसे स्कॉलरशिप का, यू डिडंट गेट द रिप्लाई यू आर सेइंग, और यू डिडंट आस्क, मुझे याद नहीं आ रहा क्यों, बताइए। कॉन्टैक्ट नंबर बेटा हर चैट में पिन रहता है, चैट में आप पुराने चैट में देखोगे ना सब जगह पे पिन है वो नंबर स्पेसिफिकली, चैट्स में पिन रहता है, एक बार और चेक करना, ठीक है। ओके ओके, तो बेसिकली क्या है कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, इट इज बेस्ड ऑन योर 10th एंड 12th मार्क्स, राइट, द स्कॉलरशिप प्रोग्राम। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज कि अब ये तुमने प्लांट ग्रोथ ये कंप्लीट कर लिया, अभी के अभी ऐप पे जाओ, प्रैक्टिस टेस्ट दो, भूलना नहीं, 200 क्वेश्चंस हैं टोटल, एंड आउट ऑफ दीज यू हैव टू अटेम्प्ट 180, बट यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज, मतलब आपके पास टाइम रिलेटिवली अब क्या हो गया है, लिमिटेड, मैं कम नहीं बोलूंगी बट टाइम इज वेरी लिमिटेड फॉर यू गाइज, ठीक है, कम नहीं मिल रहा टाइम, टाइम लिमिटेड है, तो इसमें कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, एंड फॉर दैट यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। तो स्पीड मेंटेन करने का एक ही उपाय है, प्रैक्टिस टेस्ट देते जाओ, ठीक है, टाइमर कुछ भी बोल रहा हो, तुम्हारी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। चलिए, सो विद दिस वी आर गोइंग टू एंड टुडेस सेशन हियर गाइस, कल की क्लास में मिलते हैं, मोस्ट लाइकली मिनरल न्यूट्रिशन करने वाले हैं, मोस्ट लाइकली मिनरल न्यूट्रिशन करने वाले हैं, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर कमेंट्स में अगर कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, मैं रोज वहां पर सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आपको कोई डाउट हो, आप वहां पर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। चलो, सो विद दिस वी आर गोइंग टू एंड टुडेस सेक्शन हियर, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल गाइस। अनन्या चेक द नंबर वंस, अनन्या यू स्टिल देयर, एक बार नंबर चेक कर लो, यस ये दिख रहा है आपको, मैं रिपीट कर देती हूँ, 8047187248, ठीक है। चलो चलिए, तो अगली क्लास में मिलते हैं, bye bye, take care, and don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon just next to it, bye bye.